ये आपकी गलत फहमी है क्योंकि तो यूट्यूबर कोई शो शो नहीं चला रहा है बिग बॉस की एक अलग ऑडियंस है कुछ लोगों का कहना था कि अर्चना को स्टंड नहीं आते और जब मैं झलक दिखला दिखलाजा में जा रही थी तो कुछ लोगों का कहना था अरे तू डांस कर लेगी ये तुझको तो डांस ही नहीं आता तो मेरी ये सिचुएशन बन गई थी कि दूसरे कमिटमेंट की वजह से मैंने झलक दिखला जा को नहीं ले पाई मैं अपने हाथ में हाँ मैं फाइनली 16 सोमवार की व्रत रख रही हूँ नमस्कार आप सभी का स्वागत है और आज हमारे साथ हैं आप सभी की चहेती अर्चना गौतम जो है थोड़ी सी अपसेट किस बात पर है अपसेट आइए उनसे पूछते हैं बहुत-बहुत स्वागत है आपका जी कैसे हैं आप क्या चल रहा है भैया क्या चल रहा है बहुत कुछ चल रहा है <laughs> ये हमने ऐसा सुना कि थोड़ी सी परेशान है परेशानी इन दिस थोड़ी अपसेट है किस बात को लेकर के अह देखो जो मेरे दिल में होता है वो मैं सामने बोल देती हूं एक्चुअली क्या था कि मेरे हाथ से झलक दिखला जा छूट गया और मतलब लाइक वो वो सिचुएशन ऐसी बन गई थी कि जैसे आजकल झलक दिखला जा आ रहा है और मैं झलक दिखला जा देख भी रही हूँ तो कहीं ना कहीं ऐसा आता है कि आपकी सब चीज़ें फाइनल हो गई है और फिर एंड टाइम पे आपने मतलब मैंने मना कर दिया तो मुझे बहुत दुख है कि अगर मैं हाँ कर देती तो शायद आज मैं वहाँ होती बट मैंने क्यों मना किया क्योंकि क्या होता था मैंने एक प्रोजेक्ट मैंने साइन किया था तो जो बिग बॉस के बाद ही शुरू होने वाला था बट बिग बॉस के बाद मैंने एंटरटेनमेंट किया फिर खतरों के खिलाड़ी किया तो मैंने प्रोड्यूसर डायरेक्टर को बोला कि सर इसके बाद मैं करती हूँ क्योंकि टाउन जाना था तो उन्होंने बोला था कि अर्चना फिर टाउन के बाद तुरंत आप करोगे ना तो उन्होंने मेरी वजह से वो प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया अभी मुझे जस्ट मिल गया था झलक दिखला जा तो फिर क्या था कि आप किसी को अगर कमिटमेंट करते हो और वो पूरा नहीं करते तो वो होता है कि मतलब हम लोगों ने तीन चार महीने जो वेट किया फिर वो क्यों किया तो मैं उनको धोखा नहीं देना चाहती थी तो इस वजह से फिर मैंने झलक दिखलाचा छोड़ दिया क्योंकि मैं ये भी सोच सकती थी कि चलो झलक दिखलाचा कर लेती हूँ मेरा प्रोजेक्ट दिसंबर में स्टार्ट हो रहा है या नवंबर में स्टार्ट हो रहा है तब तक मैं छोड़ दूँगी बट उस वक्त फिर मैं झलक को धोखा दे देती तो मैं दोनों को ही मतलब धोखा नहीं दे सकती थी तो मैंने सोचा कोई बात नहीं इस बार नसीब में नहीं है अगले साल कोशिश करेंगे झलक दिखलाजा करने की तो वो भी तो मेरी ये सिचुएशन बन गई थी कि दूसरे कमिटमेंट की वजह से मैंने धल झलक दिखलाजा को नहीं ले पाई मैं अपने हाथ में uh. हमने भी ये खबर चलाई थी कि जब आपने साथ मतलब यही बोला था कि कुछ ऐसा रियलिटी शो करने वाली हैं और आपने कुछ झलक दिखलाया था अपने सोशल मीडिया पर अपने डांस के तो हमें ऐसा लगा था कि आप रियलिटी शो में आने वाली हैं तभी से तैयारी चल रही थी आपकी मेरी तैयारी चल रही थी एक्चुअली मुझे सच बताऊँ डांस तो आता है थोड़ा बहुत बट झलक दिखला जा बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो रहा है जैसे मैं काफ़ी लोगों की रिहर्सल देखती हूँ तो बहुत मतलब लाइक बहुत मेहनत करते हैं तो अच्छा लगता है कि मेहनत करता है करना होता है बट वही चीज़ थी कि मुझे भी बहुत मन था बट नहीं हो पाया चीज़ों की वजह से बट नेक्स्ट ईयर का वेट करते हैं तब तक तो प्रैक्टिस करते हैं डांस की मे भी होगा नहीं भी होगा तो भी चलेगा बट हाँ मैं तो चाहूँगी कि नेक्स्ट ईयर हो अच्छा ना जब इस तरह के फैसले लेते हैं लाइफ हाँ। में क्योंकि सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है टैचुट बहुत अच्छा चल रहा है बट कुछ चीज़ें शायद सही नहीं हो पाती या या समय के साथ वो तालमेल नहीं बैठ पाता तब तकलीफ होता है देखो तकलीफ होता है पर फिर मैं क्या सोचती हूँ कि मेरी लाइफ में ना अगर कुछ चीज़ें नहीं हो रही ना तो मैं उसको सोचती हूँ कि अगर मेरी लाइफ में ये चीज़ें नहीं हुई है तो शायद इससे अच्छा कुछ होना होगा या कुछ और लिखा होगा मेरी किस्मत में जो मुझे मिल रहा होगा तो मैं उस चीज़ को मतलब पॉजिटिव लेती हूँ और आगे मूव ऑन करती हूँ लाइफ में तो हाँ बट जब झलक दिखला जा देखती हूँ तो बुरा लगता है दुख होता है कि मैंने क्यों छोड़ दिया मुझे कर लेना चाहिए था बट फिर वही होता फिर वो दूसरे को मतलब जो मेरे कमिटमेंट्स फिर उन मैं झूठी बन जाती कि अर्चना ने हम हमारी जो भी साइन कर दिया और एंड टाइम पे मैं नहीं पहुंची तो वो दिक्कत हो जाती तो मैंने दोनों को ही मैनेज किया चलिए इसीलिए शायद बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि अगर मन का हुआ तो अच्छा और नहीं हुआ तो और भी अच्छा, और भी अच्छा देख रही हैं आपके अपने खास दोस्त को झलक दिखलाते हुए डांस का कितना अच्छा लग रहा है आपको बहुत इनफैक्ट मैं अंजलि को और शिव जो दो मेरे दोस्त गए हुए हैं और अंजलि को मैं देख रही हूँ माई गॉड कितनी मेहनत कर रही है वो मतलब मैं उनकी मेहनत देखती हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है कि शिव बहुत अच्छा कर रहा है कितनी मेहनत कर रहे हैं दोनों तो बहुत अच्छा लगता है शायद ये सीज़न देख के कुछ सीखने को भी मिलेगा तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरे दोनों दोस्त बहुत अच्छा कर रहे हैं बट uh, इन ये भी कह सकते क्योंकि यू you नो know, जिस तरह से बिग बॉस खतरों के खिलाड़ी झलक हर चीज़ों को दिखाने का एक मौका यानी यू नो कहीं डांस कहीं अपनी पर्सनालिटी कहीं सब कुछ आपको भी ये मौका मिल रहा था मतलब कितना कितना लकी मानती हैं कि हर चीज़ें ऐसे बैक टू बैक मिलते जा रहा है uh, सच में यार मतलब लाइक बिग बॉस से निकलते एंटरटेनमेंट की रात फिर उसके बाद झलक ये खतरों के खिलाड़ी फिर झलक दिखला जा तो मतलब मेरा बैक टू बैक चीज़ें हो जाती थी और अच्छा भी लगता था और शायद डांस में और कुछ सीखती थी बट वही था कि इतनी मेहनत बहुत ये भी अपने आप में एक स्टंट है टास्क है बट मुझे ऐसा लगता था कि मैंने जैसे खतरों के खिलाड़ी में बहुत अच्छे स्टंट किए डांस में भी मैं उतना ही अच्छा कर पाती थी बट वही था कि अपने पैर को कुड़ी मार ली <laughs> बट कोई बात नहीं शायद वो कुलाड़ी अच्छे के लिए होगी और बस यही है कि दोस्तों को बेस्ट ऑफ लक और नेक्स्ट ईयर देखते हैं कि झलक दिख जो दोबारा मुझे बुलाते हैं नहीं बुलाते है, शायद मैं तब तक थोड़ा प्रिपेयर भी हो जाऊँगी थोड़ा डांस वांस करने सीख लूंगी कि हाँ कितनी मेहनत होती है और ज़्यादा तो हाँ तो शायद और ज़्यादा मेहनत करूंगी तो लेट्स सी शुरू से कुछ बात हो पाई डांस को लेकर के या कुछ ऐसी बातें हुई उन्होंने कुछ कहा या कुछ बताया नहीं मेरी मेरी हाँ मेरी दोनों से ऑलमोस्ट बात होती है क्योंकि मेरे दो ही दोस्त वहाँ पे गए हुए हैं अंजलि और शिव और शिव से मेरी बात हुई थी तो वो कहता है अर्चना सीरियसली बहुत मेहनत है हम एक दिन भी ऐसा नहीं है जब हम रिहर्सल नहीं करते क्योंकि आपको रिहर्सल खुद से करनी पड़ती है तो रिहर्सल कर रहे हैं काफ़ी और अंजलि देखो मैंने उसको पूछा मैंने कहा वेट थोड़ा कम हुआ तो उसने बोला मेरा इतना वेट कम हो गया मैंने कहा यार मुझे लग रहा है पूरा झलक दिखलाते दिखलाते तो तू तो बहुत पतली हो जाएगी कहते ऑफ तो कोर्स मतलब 20-25 किलो तो वेट कम हो जाएगा उसका पूरा झलक करके तो ये भी एक मतलब गुड न्यूज़ है अंजलि के लिए और दोस्तों के लिए और शिव को भी एक नया चीज़ सीखने को मिल रहा है अंजलि को भी नया चीज़ सीखने को मिल रहा है तो दोनों दोस्तों को ऑल द बेस्ट अच्छा करो चलिए आप हालांकि झलक में अपनी डांस की झलक नहीं दिखा पा रही हैं बट नए प्रोजेक्ट की तरफ आगे बढ़ रही हैं हाँ। थोड़ा रिवील करना चाहेंगे आ, अभी नहीं करना चाहूँगी क्योंकि आप खुद सोच सकते हैं कि जिस प्रोजेक्ट के लिए मैंने झलक दिखलाजा को मतलब मना किया मेरे दिल पे पत्थर रख के तो आप सोचो वो प्रोजेक्ट मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट होगा तो अभी मैं नहीं चाहूँगी कि मैं उसको रिवील करूँ बट हाँ मैं मैं चाहती हूँ जब भी आए तो मतलब लोग बोले कि अर्चना ने सही डिसीज़न लिया क्योंकि कहते हैं ना सही डिसीज़न ही आपका थोड़े से दुख दुख होता है जैसे इस वक्त मुझे बहुत दुख हो रहा है कि मैं झलक दिखला जा नहीं कर पाई बट फिर ये सोचती हूँ कि जब मेरा वो प्रोजेक्ट आ जाएगा जब हम लोग शूट के लिए निकल जाएंगे तो शायद एक खुशी होगी कि अगर मैं झलक दिखला जा कर पाती तो ना मैं इधर की रहती ना मेरे डायरेक्टर मेरे को फिल्म में लेते शायद किसी और को ले लेते तो एक वो होता है कि चलो ठीक है सही टाइम पर मैंने सही, सही डिसीजन लिया तो अभी नेक्स्ट में मूव करते हैं लाइफ में और नेक्स्ट देखते हैं क्या होता है चलिए यहाँ तो डांस की मेहनत नहीं हो पा रही बट जो आपका नेक्स्ट प्रोजेक्ट है जाहिर तौर से कुछ नया ही होगा जिस तरह से हमें अंदाज़ा लग रहा है नया अवतार होगा आपका उस पर कैसे मेहनत हो रही है? बहुत ज़्यादा वो बहुत डिफ़िकल्ट रोल है मेरे लिए लोगों ने सोचा भी नहीं होगा कि आ, मतलब लोगों ने मुझे कॉमेडियन में देखा है लोगों ने मुझे मस्ती करते हुए देखा है लोगों ने मुझे चिल्लाते देखा है हंसते देखा है दबंग देखा है बट ये जो आप रोल देखेंगे इसमें मुझे बिल्कुल ही डिफरेंट देखेंगे और उस कैरेक्टर को करना ही अपने आप में ही एक बहुत बड़ा चैलेंज है और चैलेंजिंग रोल है ये तो आई होप कि वो जब रोल आए आपके सामने वो कैरेक्टर आए आपके सामने तो आप उसको देख के अर्चना मतलब कुछ लोगों का कहना है कि अर्चना को एक्टिंग नहीं आती और जब मैं झलक खतरों के खिलाड़ी में गई थी तो कुछ लोगों का कहना था कि अर्चना को स्टंड नहीं आते और जब मैं झलक दिखला जब मैं जा रही थी तो कुछ लोगों का कहना था अरे तू डांस कर लेगी क्या तुझको तो डांस ही नहीं आता तो ये ना कुछ नेगेटिव लोगों की नेगेटिव थॉट है सोच है कि वो लोग मतलब पहले से ही जज कर लेते हैं तो जो मेरा जो रोल है जो भी मैं कर रही हूँ उसमें यही है कि आप पहले से ही जज मत करो किसी को पहले आप उससे बात करो चीज़ें देखो उसके बारे में जानो तब जाके जज करो पहले से ही जज मत करो जैसे कुछ लोगों ने बिग बॉस को देख के मुझे जज करने लगा अरे वो एक रियलिटी शो है वो एक रियलिटी शो खत्म हो गया वो अलग है और लाइ रियल लाइफ में अलग है तो लोगों को एक कहते हैं ना तो एक चमाट तो मिलेगा जब मैं एक्टिंग करूँगी हाँ वही उसको हमारे हिंदी मतलब यूपी में चमाट बोलते हैं कि चटका चट त तमाचा टाइप का कि लोगों को लगेगा कि हाँ कि एक्टिंग नहीं आती चलो अर्चना ने एक्टिंग किया और उसकी मतलब मैं चाहूँगी कि वो चैलेंजिंग रोल लोगों को लगे और लोगों को वो अप्रिशिएट हो तो लेट्स सी मैं भी वेट कर रही हूँ चलिए ऐसे जो किरदार होते हैं कहीं ना कहीं से इंस्पायर होते हैं यू नो you know, आप भी हालांकि आप रिवील नहीं करना चाह रही हैं बट हम ये जानना चाहते हैं कि इस किरदार को निभाने के लिए क्या आपने किसी को देखा या कहीं किसी जाके मिले या फिर कोई ऐसा रोल या किसी एक्ट्रेस को आपने ऐसा करते देखा उसको आपने ऑब्जर्व किया आ, देखो पता है क्या है मैं जब भी कुछ एक्टिंग करने की कोशिश करती हूँ ना मैं सोचती हूँ कि मैं किसी की कॉपी ना करूँ जो वो रियलिटी में जिस चीज़ का वो कैरेक्टर है ना मैं उसको देखूँ और आ, वो जो ज़ोन जो है उससे मैं काफ़ी वाकिफ़ हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ वो चीज़ मैं देख के उस चीज़ को मैं वहाँ से उठा के वहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दूँगी मतलब जो एक रियल कैरेक्टर है जिस लड़की का वो रियल कैरेक्टर है शायद मैंने उसको देखा होगा उसको करीब से देखा होगा जहाँ पे वो काम करती है या जो भी है उस चीज़ को करीब से देखा है तो उस चीज़ को ऑब्जर्व करके बस मुझे वही चीज़ को कैमरे पे लाना है तो मैं चाहती हूँ कि एक्टर की कॉपी ना करके उस रियल कैरेक्टर की मैं कॉपी करूँ या उस चीज को ऑब्जर्व करो तो ज्यादा अच्छे से मैं अपने आप को वर्कशॉप हुआ है या आप उस जगह पैसे गई हैं ऐसा कुछ हो पाया हाँ हा, हमारी दो वर्कशॉप कंप्लीट हो गई है मतलब चल रहा है रिहर्सल चल रहा है अभी फाइनल रिहर्सल है इस महीने के लास्ट में है और मे बी नेक्स्ट मंथ से शूट स्टार्ट हो जाए आप बहुत बहुत शुभकामनाएं इसके लिए बिग बॉस का लॉकेट दिख रहा है गले में मैं <laughs> बहुत मिस कर रही हूँ मैंने सोचा था शायद मैं बिग बॉस सेवेंटीन में जाऊँगी बट मुझे नहीं लगता मैं जा पाऊँगी <laughs> तो उसके लिए मैंने उनकी याद में बिग बॉस का लॉकेट पहना है कि बिग बॉस को पता हो कि अर्चना आपको बहुत मिस कर रही है बिग बॉस सीरियसली बहुत मिस कर रही है आपकी आवाज़ को आपके एक, एक एहसास को बहुत मिस कर रही है तो मिस यू बिग बॉस एंड लव यू बिग बॉस तो आपके लिए ये लॉकेट पहना है मैंने कैसा लगा चलिए इस बार का बिग हाँ। बॉस थोड़ा अलग है यू नो हाँ। दिल दिमाग और दम के साथ है प्लस बिग बॉस हैं हाँ। है ना बिग बॉस खुद ही एक दूसरे में चुगली कर दे रहे हैं हाँ। मतलब ऐसा कह सकते हैं क्या लगता है आपको कैसा लग रहा है ये ये पूरा फॉर्मेट यार मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो फॉर्मेट है ना ये मेरे टाइम में होना चाहिए था बिग बॉस मेरे टाइम में बायस होते तो फिर वोटिंग सिस्टम होता ही नहीं ना कोई जीतता फिर है ना फिर कुछ अलग ही होता तो मैं मैं मतलब लाइक ऐसा मतलब लाइक कर रही हूँ काश ये फॉर्मेट मेरे वाले सिस्टम में होता मतलब मेरे वाले सीजन में होता तो अलग ही मजा आता बट जिस तरह से फ्रेंडली हो गए क्योंकि आप लोग के समय आज जब भी बिग बॉस आता था तो बिग बॉस की आवाज़ सुन के ना जितने भी लोग होते डरते थे, थे बट अभी इतना मजाक कर रहे हैं लोग इनफैक्ट कुछ तो लोग बोल रहे हैं कि स्पीकर हैं बिग बॉस या फिर ऐसी मस्ती या मजाक करते तो ये कैसा लग रहा है आपको आ, देखो पता है क्या है देखो मुझे तो ऑफकोर्स डर लगता था बिग बॉस से और जैसे ही मतलब मैं चाहती थी बिग बॉस फ्लटिंग करें और बिग बॉस मस्ती करें मतलब लाइक like, मेरे से रोमांस करें ऑन स्क्रीन तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता था तो पर मुझे ये बात नहीं पता थी कि बाहर भी अच्छा लगता है तो लोगों को ना रियलिटी चीज़ें पसंद आती है तो इसीलिए बिग बॉस बिग बॉस है तो बस तो बिग बॉस भी अब रियल हो रहे हैं तो मुझे लगता है जनता को पसंद आ रहा होगा अभी तक जो गेम आपने देखा क्या कहना चाहेंगे सबसे पहले बात शुरुआत करते हैं अभिषेक ईशा और समत के साथ तो ये ये जो ट्रायंगल दिखा था पहले ईशा और अभिषेक का थोड़ा सा स्टेज पे झगड़ा फिर अंदर थोड़ा रोमांस प्यार फिर अचानक से उनके यू नो you know, प्रेजेंट बॉयफ्रेंड का आना फिर पूरा ड्रामा फिर अचानक से दोनों दोस्त हो जाना फिर ये पूरा जो चल रहा है इस पर आप क्या कहना चाहेंगे देखो पता है क्या है एक तरफ से मैंने पहले भी बोला था कि मुझे ये टी वी सीरियल टाइप का ये एक फॉर्मेट लग रहा है और अब देखो अभिषेक अभी किसी शे के साथ हैं या किसी और के साथ तो उनके है। साथ भी हो गया उनको बहन बोल दिया अभी बहन बोल दिया तो मुझे नहीं समझ में आ रहा ये क्या है स्क्रिप्ट लिख के लाए हैं क्या है तो मुझे तो मतलब मुझे मुझे नहीं दिखता मुझे इन लोगों का गेम नहीं दिखता सीरियसली मैं जिसको देखना पसंद करती हूँ मैं ऐश्वर्या को देखना पसंद करती हूँ मैं अंकिता जी को देखना पसंद करती हूँ मैं विक्की भैया को देखना पसंद करती हूँ और उनके नील को देखना पसंद करती हूँ मनारा को मुनवर को और इसमें राइडर जो हैं क्या नाम है उनका अनुराग हाँ अनुराग जी को मैं देखना पसंद करती हूँ टहल का तो मुझे समझ में नहीं आ रहा खाली पीली रोटी तोड़ रहा है वो वहाँ पे फ्री फंड की खा रहा है वो सोता रहता है दिन भर तो मुझे पहली बात तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो निकल रहे हैं ना ये बहुत गलत निकल रहे हैं पहले न, पहले नंबर पर मतलब लाइक इसको निकाल दिया क्या नाम है इसका लड़की का बंसल सोनिया बंसल अरे उसको थोड़ा मौका तो देते आप आप उन लोगों को निकालो ना जो कुछ कर नहीं रहे वो बेचारी बोल तो रही थी वो पंगे ले तो रही थी वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू रख तो रही थी आपने उनको निकाल दिया एक्चुअली घर वालों का डिसीजन था घर हाँ, वालों ने मिलकर कोई उन्हीं को ही मैं बोल रही हूँ मैं बिग बॉस को नहीं बोल रही हूँ तो घर वालों ने उनको निकाल दिया सोनिया को अरे वो करती वो कुछ तो करती इनफैक्ट अभी नावेद उसको हिंदी नहीं आती थी तो ठीक है वो आपने एंट्री दी है ठीक है उसको वो ही इज डिजर्व कि फर्स्ट पे वो निकल जाता दूसरे पे तहलका कुछ कर ही नहीं रहा है वो बट उसको रख रखा है क्योंकि उसका जो दूसरा साथी है वरुण उसके बिना वो पता नहीं वो खाला और बेगम खाला बने हुए है दो न क्या है ना <laughs> <laughs> हाँ खाला खाला बने हुए हैं दोनों एक दूसरे की तो दोनों चुगली थे, तो बिग बॉस ने उनको वैसे रख रखा है बट कोई मतलब नहीं है उनका मतलब बेफालतू के सोते रहते हैं अब अब क्यों नहीं बिग बॉस मुर्गा बुलवा बुल रहे हैं? मैं थोड़ा सा सो जाती थी मुर्गे क्या मुर्गियाँ बोलती थी और अब आप, आप उसको सोने देते हो आप कुछ नहीं बोलते गलत है ना ये बट अब मैं कुछ कह नहीं सकती क्योंकि आप बायस्ड हो <laughs> तो है ना ये तो यही तो गेम तोस्ड हो तो मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा बट हाँ ये अभी ये जुगना जी है ये भी मतलब कुछ कर नहीं रही है इतना तो इन लोगों को निकालना चाहिए जो निकलने के योग्य हैं और जो निकलने के योग्य नहीं थे आप उनको निकाल रहे हो मतलब उनको थोड़ा मौका तो देते बट बेचारों को पहले ही निकाल दे तो क्या करेंगे बताओ तो मुझे मुझे सच में नहीं अच्छा लगा वो सोनिया बंसल जो निकली है स्टार्टिंग में मुझे लगता था वो लड़की कुछ कर लेगी वो मतलब कर लेगी हाँ उसके अंदर चांद था वो वो पंगे लेती थी वो मतलब यूपी वाली है तो पंगे पक्का लेती थी वो बट बेचारी को नहीं पहले घर वालों ने निकाल दिया पूरा अंकिता और विक्की के गेम के बारे में क्या कहना चाहेंगे यू नो विक्की बहुत स्मार्टली गेम खेल रहे हैं सबके साथ बहुत गुडी गुडी बने हुए हैं बट अंकिता बार बार ये कह रही है कि तू मुझे टाइम नहीं देता तू मुझे इग्नोर कर रहा है और उन दोनों की जो नोक झोंक होती है ना उसमें बहुत सारी चीजें निकल के बाहर आ रही हैं हाँ। तो उसको आप कैसे देखें उसको यही बोलना चाहती हूँ देखो पता है क्या होता है मेरी तो शादी नहीं हुई है बट मैंने जो चीजें महसूस की है हस्बैंड वाइफ में देखो लड़ाइयाँ होती ही हैं और ये तो फिर भी बिग बॉस है अगर आप हस्बैंड वाइफ को एक रूम में बंद कर दो और बाहर ना जाने दो तो भी युद्ध मचेंगे वहां पर सांस में अलग मचेंगे बहु में अलग मचेगा हस्बैंड वाइफ में अलग मचेगा ये तो फिर भी बिग बॉस है तो अगर इन दोनों में थोड़ा पिट तो में थोड़ा तो तो होती है।, है है तो तो ये एक नॉर्मली हस्बैंड वाइफ होता ही इससे आप जज मत करो उनको और लड़ाई कर रहे हैं या कभी कभी ऐश्वर्या भी तेज बोल देती है तो लोग ना उनकी जम के क्लास तो लोग जज करने लग जाते हैं ऐश्वर्या को कि वो कैसा कर रही है भाई वो दोस्त है उसका पहले बाद में उसका पति है तो पति और दोस्त में ऐसा नोकझोंक रहता है तो आप उसको जज नहीं कर सकते कि वो उस तरह से अरे वो ठीक है वो उसका कोई अरेंज मैरिज नहीं हुआ है उसका लव मैरिज हुई है और वो दोनों जब तक वाइफ में टॉम एंड जेरी टाइप का एक रिश्ता ना रहे ना तो वो एक रिश्ता भी नहीं होता तो अगर वो ठीक है गुस्से में चिल्ला देती है तो वो उसका पति इतना सुलझा हुआ इंसान है सीरियसली पता नहीं मैं तो चाहती हूँ कि मुझे भी कुछ ऐसा ही पति मिल जाए वो इतना समझा देता है उसको तो ये चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती है नील की और ऐश्वर्या तो है देखो ऐश्वर्या जैसी है मुझे वो वैसी ही पसंद है तो वो ठीक है वो अपना खेल रही है वो अपना खेल रहा है तो इट्स गुड और मनारा और मनोवर के बारे में क्या कहना चाहेंगे मना, मनारा इज नाइस nice, अच्छा खेल रही है मनोवर का मुझे थोड़ा सा ये कभी कभी मुझे ऐसा डाउट जैसे मुझे अब्दू में डाउट आता था ना कि तुम्हें गुस्सा नहीं आता है क्या अब्दू कभी तो आता होगा ना गुस्सा ऐसा कैसे तो सब सलमान सर ने बोला था हाँ सही तो कह रही है कभी तो गुस्सा आया था फिर उसका गुस्सा निकलवाया था तो मुझे जैसे मनवर गुस्सा नहीं करता है तो मुझे ऐसा लगता है कि रियल लाइफ में शायद ये ऐसा नहीं होगा क्योंकि देखो जिस हिसाब से उसका स्ट्रक्चर है लड़का देखने में है और मेरा अच्छा दोस्त भी है तो मुझे लगता है उसको गुस्सा आता है तो वो मुझे लगता है ख़ुद को रोक रहा है वो मतलब अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रख पा रहा है तो उसको मतलब लाइक अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहिए और अच्छा खेल रहा है बट वो एक सेफ कार्ड खेल रहा है क्योंकि उसको पता है बाहर मेरी फैन फॉलोइंग है संभाल लेगी मेरे को बस कुछ गलत नहीं करना है जिसकी वजह से मेरे दिक्कत हो मुझे जीतने से तो वो जीतने वाली ट्रॉफी खेल रहा है मतलब लाइक सिंपल गेम खेलता हूँ सबके साथ अच्छा बना रहता हूँ और आगे तक मैं चला जाऊँगा बट ये शो रियलिटी का है अगर हम बात करें तो आप अपनी रियल पर्सनैलिटी दिखाओ आपको एक बार भी गुस्सा नहीं आया है मैं मैं जो चीज़ देख रही हूँ और आप वैसे हो नहीं रियल लाइफ में क्योंकि हमने भी क्योंकि मैं उसको फॉलो कर रही हूँ टिकट से और टिकटॉक हाँ टिकटॉक ये फैज़ू ये ये सब लोग एक थे ना तो मैं तब से उन लोगों को फॉलो कर रही हूँ तो कोर्स गुस्सा लाइफ में हर इंसान के और आदमी के पास तो ऑफ कोर्स गुस्सा आता है नील जैसे बंदे को आप सोचो नील मैं नील की बात करी उसको गुस्सा आता है तो आप सोचो तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि अपनी एक पर्सनैलिटी को छुपाने के लिए वो ऐसा खेल रहे हैं बट मनवर को भी खुल के खेलना चाहिए क्योंकि आधा आ चुके हैं तो पॉइंट ऑफ व्यू अपना रखना चाहिए और ठीक है फ़ैन फॉलोइंग देखो हर कोई बोलता नहीं है क्योंकि फैन फॉलोइंग की वजह से ट्रोल होने की दिक्कत है चीज़ें बट नहीं बट उसको अपना जैन गेम खेलना चाहिए और रियल खेलना चाहिए रियल नॉट बनावटी तो वो थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा बनने की कोशिश कर रहा है कैमरे के आगे ऐसा इसके अलावा अगर हम बात करें टॉप फाइव या लंबी रेस का घोड़ा आपके हिसाब से अभी जो चल रहा है कौन हो सकता है देखो मुझे टॉप फाइव में बता रही हूँ जो मेरी नज़रिए से है ऐश्वर्या एंड विकी भैया अगर अंकिता जी हुई तो अंकिता जी अदरवाइज़ वो निकल गई तो फिर वो तो नहीं उसके अलावा आ, मनारा मनवर और कौन हो सकता है नील नहीं होगा क्योंकि दोनों में से एक आएगा ना कोई दोनों कैसे आ जाएंगे <laughs> तो देखो मे बी ये आ सकती है लड़की ईशा okay. पता नहीं मुझे ईशा लग रही है अभिषेक भी आ सकता है पता नहीं बट मुझे ईशा ज़्यादा लग रही है खानजादी के बारे क्या करना में क्या कहना चाहेंगे इस समय नाक में दम मचा रखा लोगों के देखो पता है कॉमेडियन होना चाहिए कोई ऐसा चीज़ें होने चाहिए जो शो को आगे बढ़ाता है तो खानजादी अच्छा कर रही है और मतलब ठीक है वहाँ क्या करेंगे वहाँ बैठने के लिए तो नहीं जा रहे या सिंपैथी कार्ड खेलने के लिए तो नहीं जा रहे या अच्छे बनने के लिए तो नहीं जा रहे कुछ ना कुछ आपको करते रहना चाहिए ना क्योंकि देखो जैसे खानजादी है मैथी या कोई और कोई और लड़की बोल सकते हैं तो हम लोगों को क्या होता है कि ना हम कलर्स फेस होते हैं और ना हम uh, मतलब लाइक ना हम सोर्स लगा के आते हैं ना हम कोई टीवी वी का फेस होता, होता है।, है ना हमारी कोई सेना होती है ना कोई हमारा फैन फॉलोइंग होता है तो हमको कुछ ऐसा चीज़ें करनी होती है बिग बॉस में कि जो हम अपना एक अलग ही नाम बना सके आज मैं बिग बॉस में जो भी मैंने किया हंसाया लोगों बट आज मैं जब एयरपोर्ट पर जाती हूँ लोग मेरे से सेल्फी लेते हैं और मुझे बोलते हैं कि अर्चना जो हमने बिग बॉस सिक्सटीन देखा वो आपकी वजह से ही देखा क्योंकि हमको आपको देख के बहुत अच्छा लगता था हम हंसते थे हम पूरा एपिसोड देखते थे तो मतलब मैंने अपना नाम बनाया है तो वो क्यों बनाया क्योंकि अगर मैं भी सिंपति कार्ड खेलती या मैं भी अच्छी बनने की कोशिश करती तो शायद मैं वहाँ तक भी नहीं पहुँच पाती तो हम लोगों को हम हम लोग अगर करते हैं तो जनता के लिए करते हैं आ, बिग बॉस के बाद पूरी लाइफ बदली है बट हाँ। जब आप वापस अपने बिग बॉस अपना बिग बॉस देखती हैं कुछ रिग्रेट होता है किसी बात को लेकर रिग्रेट होता है मतलब रिग्रेट नहीं होता है मुझे बहुत अच्छा लगता है बट मुझे हाँ एक चीज़ रिग्रेट होती है कि मुझे बिग बॉस देख के जाना चाहिए था एटलीस्ट मुझे ना दो तीन सीजन देख के जाना चाहिए था तो शायद मतलब लाइक अलग मतलब मेरा बहुत अच्छा हुआ है मेरा बहुत नाइन्टी परसेंट मेरा बहुत अच्छा हुआ है तो अगर मैं बिग बॉस देख के जाती तो शायद मैं भी सिम्पेथिक कार्ड प्ले कर लेती जो और लोगों ने किया है मेरे सीजन में बैठ के सिम्पेथिक कार्ड प्ले किया है तो वो थोड़ा सा होता है कि मैंने बिग बॉस देख, मैं देख के जाना चाहिए था तो मुझे पता था, अच्छा ये करना अच्छा ये करना आपके साथ तो आने में तो सभी लोगों से दोस्ती है बट प्रियंका के बारे में कुछ कहना चाहेंगे देखो जिससे दोस्ती नहीं जिससे बातचीत नहीं उसके बारे में बोलना नहीं तो बस कुछ भी नहीं चलिए सोलह सोमवार का व्रत कर रही है कहाँ से सुन लेते हैं आप मुझे ऐसा पता चला <laughs> हाँ मैं फाइनली 16 सोमवार के व्रत रख रही हूँ और मेरा कल दूसरा व्रत था मतलब जो ये मंडे आया था इसका सेकंड फास्ट था मेरा सोलह सोमवार के व्रत कहते हैं कि सोलह सोमवार के व्रत करके कोई अच्छा वर मिलता है तो मैंने वर के लिए नहीं किया है मैंने एक अच्छे बॉयफ्रेंड के लिए किया है तो क्योंकि मैं भी लाइफ में चाहती हूँ सबकी न्यूज़ें निकलती हैं कि तमन्ना तमन्ना भाटी अपने बॉयफ्रेंड के साथ ओ माय गॉड तेजस भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ उसके साथ तो मैं भी चाहती हूँ कि पेपर ऐजी मेरे लिए भी कोई अच्छी से स्टोरी डाले ओ माई गॉड हाँ जैसे अभी एक भी वो आया था कि ये लंच पे गई है अपने बॉयफ्रेंड के साथ तो मैं भी चाहती हूँ कि मैं भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ जाऊँ और मेरा भी न्यूज़ निकले अर्चना को देखा आज स्पॉट किया अपने बॉयफ्रेंड के साथ अर्चना ने कैंडल लाइट डिनर किया या लंच किया तो मैं भी थोड़ा सा ये सपना है मेरा तो ये भी सपना मैं चाहती हूँ जल्दी जल्दी पूरा हो जाए तो इसके लिए मैं सोलह सोमवार के व्रत रख रही हूँ ठीक तो है सोलह सोमवार बट इसके लिए दिल का कनेक्शन होना बहुत घंटी बजना बहुत जरूरी है कोई है आपके लाइफ में नहीं अभी भोलेनाथ बुलाएंगे ना मैं भोलेनाथ जी से बोल रही हूँ क्योंकि भोलेनाथ मतलब भोले होते हैं और उनसे जो मांगते हैं आप वो ही दे देते तो मैंने भोलेनाथ से बोला है कि आप अपने जैसा ही कोई लड़का मेरी लाइफ में भेज दो तो अभी तो कोई टकराया नहीं है लेट्स लैसी जब टकराएगा तो शायद घंटी बजेगी क्या होएगा पता नहीं बट पहले प्यार का पहला एहसास तो था अभी दूसरे प्यार का दूसरा एहसास कैसा होता है वो मुझे जानना है बट कुछ है दिमाग में कि ऐसा होना चाहिए जैसा आपने बोला नील के बारे में बोला हाँ। कि मैं भी ऐसा ऐसा कुछ उन्हें बहुत गुस्सा बहुत शांत या हाँ। कुछ में बहुत इंटरेस्टिंग है आप लोग भी ऐसे हो गए देखो पता है मुझे कोई ऐसा सिक्स पैक नहीं चाहिए क्योंकि सिक्स पैक का पता नहीं होता वो लगते सिक्स पैक फिर बाद में पता चलता है हो माई गॉड लड़की के साथ भी दोस्ती है लड़की के साथ भी दोस्ती है तो मुझे ये हार्ट अटैक तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए लाइफ में मुझे ना ऐसा ज़्यादा हाइट नहीं चाहिए फाइव टेन इज इनफ एंड बी होनी चाहिए अच्छी सी मतलब लाइक प्यारी सी और सिक्स पैक नहीं चाहिए हल्का सा तोन हाँ तोन से कम थोड़ा भी होगा तो भी चलेगा <laughs> और हाँ छाती पे बाल नहीं चाहिए भुए हों तो चलेगा ठीक है और बस और बिजनेसमैन होना चाहिए वो तो यार वो तो जो मुझे लाइक घुमाने ले जाए मालदीव्स ठीक है तो ये मतलब ज़्यादा इतनी बड़ी ख्वाहिश नहीं है बट ऐसे सिंपल सी ख्वाहिश है हमने देखा बहुत दिनों बाद हमारी मुलाकात हुई बट आप ने अपना वेट लॉस किया है सब हाँ। कुछ थोड़ा बताइए क्या हाँ, कुछ हाँ, किया मैं, मैं जिम विम तो कर रही हूँ काफी और जो मेरा नेक्स्ट जो प्रोजेक्ट है उसकी जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से मैं चल रही हूँ तो हाँ इसलिए मैंने थोड़ा वेट कम किया है तो कितना हो थ्री के जीज मैंने वेट कम किया है मैं पहले फिफ्टी फोर थी अभी आ, 50 या ओके बस मैं उन लोगों को ये बोलना चाहती हूँ कि जितने भी मेरे फैंस हैं जल्दी से जल्दी मैं कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों को गुड न्यूज दू दे तो मैं अभी भी सकती हूँ बट मैं चाहती हूँ कि जब मैं चीज़ कर लूँ आधे तक पहुँच जाऊँ तब मैं डिक्लेयर करूँ क्योंकि मुझे ना नज़र बहुत लगती है और मुझे नज़र ऐसी लग जाती है कि मेरी कुछ चीज़ें होती होती ही मेरी कैंसिल हो जाती है जैसे कि मेरा झलक दिखला जा फाइनल हो गया था सब कुछ मेरा फाइनल हो गया था मैंने लोगों को बता दिया भाई ऐसी टॉक लगी कि मुझे दोनों में से एक चीज़ चुननी पड़ी तो फिर मैंने वो फिल्म या जो भी वेब सीरीज़ है उसको चुना क्योंकि जो डायरेक्टर थे वो वेट कर रहे थे काफी टाइम से तो मैं इनको हर्ट नहीं करना चाहती थी तो मैंने पहले वो चुना तो इसलिए oh, जल्दी, जल्दी कुछ नया देखने को मिलेगा आई होप इसी साल सो मच बेस्ट फॉर यू थैंक यू सो मच